एसपी सिटी सोनम कुमार ने मकर संक्रांति त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर निगम व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला बड़े स्तर पर आयोजित होता है, जिसमें 5 से 6 लाख की भीड़ आती है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि खिचड़ी के दिन वाहन प्रतिबंधित होते हैं तथा सभी लोग पैदल आते हैं तथा श्रद्धालुओं के जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था की जा रही है तथा नगर निगम के अधिकारियों को नालों को ढकने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत पीएससी एटीएस तथा बाहरी फोर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि मेले में डायनेमिक सिस्टम मैनेजमेंट से पुलिस कर्मियों की लोकेशन ली जाएगी, जिसको देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों को ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है तथा इसका प्रयोग मेले व गोरखपुर महोत्सव में भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए खिचड़ी मेला जो होता है काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, 5 से 6 लाख की भीड़ यहाँ पे आती है। उसी क्रम में हमने बैठक की है, उसमें यातायात के लिए जो डायवर्जन होंगे, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि वाहन प्रतिबंधित होते हैं, सभी लोग पैदल आते हैं वहाँ पे, उसमें उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। साथ में जूते चप्पल लोग बाहर ही उतारें, क्योंकि अंदर अगर जूते चप्पल उतारते हैं तो फिर वो वापस आते हैं, भगदड़ की स्थिति होती है। तो जूते चप्पल की प्लानिंग की जा रही है कि कहाँ कहाँ जूते चप्पल उतारेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी नाले हैं सड़क के किनारे, उनको ढकने की जो प्रक्रिया है वो जरूरी है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी सड़क को चौड़ा करने के लिए, तो उसके कुछ ईंटें वगैरह भी हैं जो कि लटकी हुई हवा में, तो ये इन सब से जो है भक्तगणों को दिक्कत होगी। तो उन सबकी पूरा स्थलीय निरीक्षण किया गया और निर्देशित किया गया, नगर निगम और PWD दोनों को निर्देशित किया गया है कि क्या क्या तैयारियाँ करनी है ताकि जो खिचड़ी मेला है वो सकुशल संपन्न हो पाए। सुरक्षा के लिए क्या, देखिए सुरक्षा के लिए तो ड्यूटियाँ हम लगाते ही हैं, उसमें PSC भी लगती है, बाहर की फोर्स भी लगती है, ATS की टीम भी आती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। अभी जो है नगर निगम और PWD के साथ जो भी हमें समन्वय स्थापित करना था वो स्थापित किया गया है और उस पर जो है कार्य योजना बना करके हम लोग DM साहब और कप्तान साहब को सौंप देंगे। सर पूर्व की बात, इस बार भी ड्यूटी ऐप से पुलिसकर्मियों को जोड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐप बनाया था, डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या करते हैं हम कि पुलिस वालों की लोकेशन जो है ले ली जाती है, जैसे इस स्थान पे ड्यूटी है तो लैटलॉन्ग लिया जाता है उसका पहले से ही, और पुलिसकर्मी समय से वहाँ पहुँचे कि नहीं उसको चेक किया जाता है। तो वो वाली व्यवस्था हमने पिछले साल प्रारंभ की थी, वो सेम इस बार भी कर रहे हैं। पिछले बार वेबसाइट बनाई थी, इस बार हमने एक ऐप बना लिया है और हर पुलिसकर्मी से उस ऐप को हम डाउनलोड करवा रहे हैं। जिनकी जनपद से ड्यूटी लग रही है या जो जनपद से बाहर से ड्यूटी करने आ रहे हैं उनको भी हम डाउनलोड करवाएंगे, तो उनको अपना ड्यूटी का स्थान और समय से अपने ड्यूटी पे पहुंच पाए, वो इन दोनों को इंश्योर किया जाएगा। मेले में इसका प्रयोग किया जाएगा, गोरखपुर महोत्सव में भी किया जाएगा।